हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसमें आप हैवी गेमिंग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 8,000 के अंदर में गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको ऐसे पाँच फ़ोन के बारे में बताऊँ जिसमें आप फ्री फायर पबजी जैसी हैवी गेम यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे नंबर पे जो फ़ोन है रियलमी, तो दोस्तों हमारे फर्स्ट लिस्ट में जो मोबाइल वो रियलमी C3 कॉर्स है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको हीलियो G70 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको 6.5 इंच का HDIPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें 12+2 का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि इस फ़ोन में जान डालते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में आपको लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, साथ ही इस फ़ोन में आपको बैकअप भी बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट में जो मोबाइल है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आया है। दोस्तों ये मोबाइल अपने प्राइस हिसाब से बहुत अच्छा है, इसमें आपको हीलियो P22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें आप पबजी वगैरह आराम से खेल सकते हैं, आपको पबजी वगैरह लैग नहीं करेगा। ये फ़ोन अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों इसका स्क्रीन जो है 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले है, साथ ही साथ इसमें जो कैमरा दिया गया है वो ट्रिपल कैमरा दिया गया है जिसमें आपको 13+2+ लो लाइट कैमरा दिया गया जो कि अपने प्राइस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों इसमें जो हमें बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि इस प्राइस में बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट मोबाइल पर चलते हैं। दोस्तों ये फ़ोन रेडमी 8 के बारे में, जो कि हालांकि पुराना फ़ोन है लेकिन दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन एक अच्छा परफॉर्म देता है। इस फ़ोन में दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि और अच्छी बात है। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर दिया गया 439 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, जिसमें पबजी वगैरह आप आराम से खेल सकते हैं, पबजी वगैरह लैग नहीं करेगा, हाई गेमिंग इसमें कर सकते हैं आप। और इसमें से 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सुविधा मिला जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा और Type-C के साथ आता है। तो फ्रेंड ये आप बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ इसमें आपको आयर ब्लास्टर का भी ऑप्शन मिलता है और ये कोरिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी रहता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रियलमी का, रियलमी 3। दोस्तों ये फ़ोन हालांकि बहुत पुराना हो चुका है लेकिन दोस्तों इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अभी भी इस कारण से इसी कैटेगरी में। दोस्तों इसका आपको डिस्प्ले 6.2 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जो कि है हेलियो P70 प्रोसेसर। दोस्तों इसमें आप गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो बैटरी मिलता है आपको 4230 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, साथ ही साथ बैक में जो कैमरा दिया गया वो 13+2 का दिया गया जो कि और अच्छी बात है। दोस्तों इसमें नाइट स्कोप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साथ ही साथ क्रोमा बूस्ट का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फ़ोन की। और दोस्तों इस फ़ोन में आपको Realme 8 है जो कि Xiaomi की ओर से फ़ोन है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाएगा जो आप इस रेंज में जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। दोस्तों इसमें इस फ़ोन में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं, ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, 13+2 का मिलता है, AI पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है उसको, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है इस रेंज में। दोस्तों इसमें पबजी वगैरह आप आराम से खेल सकते, दोस्तों इसमें लैग वगैरह नहीं करेगा पबजी, आप पबजी फ्री फायर इसमें आराम से खेलते थे। इसमें आपको दोस्तों 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है जो कि 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। दोस्तों इसमें आपको Type-C का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी बात है, आपको Type-C देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 सिम स्लॉट मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प होगा आपके लिए। दोस्तों हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नंबर Samsung M10s। दोस्तों अगर आप Samsung का फ़ोन पसंद करते हैं, आपको Xiaomi या Realme का फ़ोन आपको पसंद है, आप Samsung का फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये फ़ोन आप देख सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में आपको 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसमें 6.4 इंच का HD+ सुपर ऑमलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस प्राइस रेंज में। दोस्तों इस फ़ोन में आपको Samsung Exynos 788B प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बेस्ट है 40 नैनोमीटर पर। दोस्तों इसमें ये प्रोसेसर उतना खास तो नहीं है लेकिन आप पबजी जैसे हाई गेम इसमें आप रन आराम से करा सकते हैं और पबजी खेल सकते, इसमें आपको लैग वगैरह नहीं करेगा। दोस्तों इसमें 4000 mAh की फास्ट बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग पे आता है। इसमें आपको Type-C का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। में लास्ट फ़ोन जो हमारे वो Xiaomi Redmi 7 जो कि
थोड़ा पुराना फ़ोन है जिसमें आप जो जिसकी कीमत 7999 है दोस्तों। इस फ़ोन में आपको 632 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि आपको 439 से बहुत बेटर है दोस्तों। अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो ये फ़ोन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।